हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ आवर स्कूल। हम फर्स्ट चैप्टर रिवीजन कर रहे थे। हमारा फर्स्ट चैप्टर था टाइप्स ऑफ प्लांट, यानी कि पौधों के प्रकार। हमारी एक्सरसाइज हो गई थी और बी, और नेक्स्ट है हमारी सी। एंड आगे भी बोल रखा है और भी बोल रखा हूँ, जो भी वर्क करना है वो आपको रफ वर्कशीट में करना है, पैर में नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट हमारा पार्ट चाहिए सी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच पार्ट ऑफ अ प्लांट हैज सीड इनसाइड इट। विच यानी कौन सा पार्ट, यानी बाग या प्लांट, यानी पौधे का हैज सीड यानी कि बीज इनसाइड इट, जिसमें बीज होते हैं। पौधे का वह कौन सा भाग है जिसमें बीज होते हैं, जिसका आंसर क्या होगा। यस एनीवन, दिस आंसर इज फ्रूट, यानी फल के अंदर क्या होता है, बीज। जैसे कि हम मैंगो का फ्रूट कहते हैं, मैंगो के अंदर से गुठली निकलती है, वो क्या हो गया उसका सीड। एंड जिस अनार खाते हैं हम, ऑरेंज, जो भी उनमें से बीज निकलता है वो क्या होता है, ऑरेंज हो गया फ्रूट, मैंगो हो गया फ्रूट, और उनके अंदर से निकलने वाले क्या कहते हैं, सीड्स यानी बीज। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, राइट टू एग्जाम्पल ईच ऑफ क्लिम्बर्स एंड क्रीपर्स, यानी कि दो एग्जाम्पल बताओ, वेल और लता के। वेल क्लिम्बर्स की कौन सी है, क्लिम्बर्स यानी क्या होती है, बेल। बेल कौन हो जाएगा, पी यानी मटर। एंड मनी प्लांट, मनी प्लांट आपने देखा घर में लगा हुआ। नेक्स्ट है लताएं, क्रीपर्स, क्रीपर्स का एग्जाम्पल कौन सा होगा, एक तो पंपकिन यानी कद्दू, और नेक्स्ट है वाटरमेलन। वाटरमेलन किसको बोलते हैं, तरबूजे को। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नेम द थिंग रिक्वायर्ड बाय ए प्लांट टू मेक फूड, यानी कि उन चीजों के नाम बताओ, थिंग्स यानी वस्तुएं या चीजें, जो किसके मेक फूड यानी भोजन बनाने के लिए रिक्वायर्ड होती है, किसके लिए, पौधे के लिए। पौधे को भोजन बनाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, द थिंग्स रिक्वायर्ड बाय प्लांट टू मेक ए फूड, सनलाइट, एयर एंड वाटर, यानी कि सूर्य का प्रकाश, हवा और पानी, थ्री चीजें होती है जो रिक्वायर्ड होती है किसके लिए, टू मेक द फूड और प्लांट। सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश, एयर यानी हवा, एंड वाटर यानी जल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम। मैच द फॉलोइंग, यानी क्या करना है आपको, मैच करना है। वन क्या हैज बीन डन फॉर यू, यानी एक को मैच किया हुआ आपके लिए। कैसे, जैसे कि पिक्चर में शो कर रहा, फर्स्ट फ्लावर, फ्लावर को किसे शो किया हुआ, ए प्रोड्यूस फ्रूट्स, यानी इसे क्या होता है, फ्रूट प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट कौन सा, लीफ है, फिर क्या है, ये फ्रूट है अनार। नेक्स्ट है सीड, और फाइव है फिर रूट्स यानी कि जड़ें। तो हमारा फर्स्ट जो किया हुआ शो क्या है, फ्लावर है। फर्स्ट पिक्चर किसकी शो कर रही है, फ्लावर की। नेक्स्ट हो जाएगा लीफ, उसी की पिक्चर शो कर रही है। थर्ड फ्रूट, फोर्थ रूट्स। इसमें ऑप्शन कौन से दिए हुए हैं,
सेकेंड है प्रोड्यूस फ्रूट्स, थर्ड है एब्जॉर्ब वॉटर एंड मिनरल्स, DNX Mac Foods. Number E last option edge seeds inside. तो मैच कैसे करेंगे फिर इसको? फ्लावर, फ्लावर क्या होता है फिर? फ्लावर से क्या होता है? ग्रोइंग टू न्यू प्लांट, नो. प्रोड्यूस फ्रूट्स, फ्रूट प्रोड्यूस करता है फ्लावर, फ्लावर से क्या होता है? फ्रूट का निर्माण. इसका मैच हो जाएगा बी से. नेक्स्ट हमारा लीफ, लीफ क्या? ग्रोइंग टू न्यू प्लांट, नो, रॉन्ग. एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल, नॉट. एब्जॉर्ब करती है वाटर और मिनरल, गलत. मैक फूड भोजन का निर्माण करती है, यस, राइट. सेकेंड का हो जाएगा डी. नंबर थर्ड है फ्रूट, फ्रूट क्या है? फल. फल में क्या होता है? ग्रो इन टू ए न्यू प्लांट, या फिर एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, एच सीड इन साइड इट. इसके अंदर बीज होते हैं, यस. इसके क्या हो जाएगा फ्रूट्स का? ई. नेक्स्ट रहता है हमारा सीड्स, सीड से क्या होता है? ग्रो इन टू ए न्यू प्लांट. सीड से क्या होता है? एक नए प्लांट का निर्माण होता है. और फिर रूट्स, रूट्स क्या करता है? एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल. फ्लावर वापस एक बार रिपीट कर देता हूं. फ्लावर, फ्लावर क्या करता है? प्रोड्यूस फ्रूट्स, यानी कि फ्रूट का निर्माण करता है. इसका ऑप्शन हो जाएगा बी. ओके, राइट, मैच. फ्लावर से क्या होता है? फूल से फ्रूट का निर्माण होता है. नेक्स्ट है लीफ, लीफ से क्या होता है? लीफ क्या करती है? भोजन का निर्माण, मैक फूड. इसका ऑप्शन हो जाएगा बी. ओके, नेक्स्ट है फिर हमारा फ्रूट, यानी फल. फल से क्या होता है? फल के अंदर होते हैं बीज, एच सीड्स इनसाइड. इसका ऑप्शन हो जाएगा ई. नेक्स्ट है हमारा सीड्स, सीड्स यानी बीज. बीज किस में परिवर्तित होता है? ग्रो इन टू ए न्यू प्लांट, एक नए प्लांट में परिवर्तित होता है. इसका हो जाएगा राइट ऑप्शन ए. फिर हमारा नेक्स्ट है रूट्स, यानी कि जड़े. जड़े क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है वाटर एंड मिनरल्स को. किससे? सोइल से, पानी और खनिज तत्वों को. इसका ऑप्शन हो जाएगा लास्ट सी. ये हो गया आपका मैच द फॉलोइंग. ओके, एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी. और लास्ट हमारा यह ऑप्शन है कि राइट एच फॉर हर्ब, एस फॉर सर्व और टी फॉर ट्री. ओके, यानी कि आपको इसमें पिक्चर को शो करके क्या करना है? हर्ब, सर्व और ट्री को लिखना है. हर्ब यानी क्या होता है? जड़ी बूटी. सर्व यानी जड़ी और टी यानी ट्री. फर्स्ट पिक्चर में क्या शो कर रहा है? ट्री. सेकेंड में क्या कर रहा है? जड़ी बूटी, ग्रास, हर्ब. थर्ड में वापस हर्ब, पुदीना शो कर रहा है. और फोर्थ में शर्ब यानी जड़ी, रोज की पिक्चर शो कर रही है. तो ये हो जाएगी शर्ब. ओके, ये आपको रीड एंड रिमेम्बर करना है. और जो भी वर्क है वो पैर में नहीं करके रफ में करना है. आपको रफ वर्कशीट में ही वर्क करना है. पैर में आपको बोल दिया जाएगा जब भी करना हो. ओके, थैंक्स.